प्रिय शिक्षार्थियों नमस्कार। मैं अनुराग शुक्ला, स्वास्थ्य विज्ञान विद्या शाखा, असिस्टेंट प्रोफेसर, उत्तर प्रदेश, राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय। प्रिय शिक्षार्थियों, पिछली जो अपना ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से आप लोगों के मध्य पतंजलि योग सूत्र का जो एक व्याख्यान चल रहा है, उसी में आज आगे बढ़ते हुए ये तीसरा सत्र है। पहले सत्र में आप लोगों ने पतंजलि योग सूत्र का परिचय समझा, उसके बाद दूसरे सूत्र में जो पतंजलि योग सूत्र है उसके पहले पाद समाधि पाद की शुरुआत की गई थी। उस समाधि पाद में हम लोगों ने पहले सूत्र से लेके छठे सूत्र तक हम लोगों ने समझने का प्रयास किया था। आज उससे आगे 1.7 से हम लोग शुरुआत करेंगे, सूत्र नंबर 1.7। प्रिय शिक्षार्थियों, हमारा जो विषय है पतंजलि योग सूत्र हमारे कोर्स में भी है और अपना जो UGC नेट का सिलेबस है उसका एक महत्वपूर्ण भाग है, इसलिए पतंजलि योग सूत्र का अध्ययन हम योग के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि ये एक प्रकार का ये हमारे लिए गीता है। इसके द्वारा हम पूरे योग को, योग के साधन को, योग की अवस्थाओं को, योग किस किस क्षेत्र में हमको प्रभाव करता है उसको हम समझने में सफल होते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे विद्यार्थियों, चित्त वृत्ति एक शब्द आ रहा है यहाँ पे। चित्त वृत्तियों के संबंध में पांच वृत्तियों का निरोध अत्यंत आवश्यक है। इस संबंध में प्रिय विद्यार्थियों, अब हम एक एक करके पांचों वृत्तियों पढ़ेंगे, तो पहले थोड़ा सा पीछे चलते हैं। योग का जो प्रथम सूत्र था अथ योग अनुशासनम, अर्थात योग की शुरुआत अनुशासन से हुई। दूसरा सूत्र जो एक तरह से योग की परिभाषा के रूप में आज हम लोग के बीच बहुत ही महत्वपूर्ण है, अधिकतर विद्यार्थियों को ये सूत्र याद भी होगा, योगश्चित्त वृत्ति निरोध, अर्थात योग क्या है, तो चित्त की वृत्तियों का निरोध योग है, महर्षि ने ये बताया। हम तो ये जान गए चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है, अब इसी को जब आगे बढ़ते हैं तो महर्षि बताते हैं कि जो वृत्तियां हैं वो दो प्रकार की थी, जिसको हमने पढ़ा था क्लिष्ट और अक्लिष्ट, तो उन्हीं क्लिष्ट और अक्लिष्ट वृत्तियों को पांच भागों में बांटा था, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति, जो सूत्र संख्या 1.6 थी। अब उसी से आगे हम बढ़ेंगे तो वो पांच जो वृत्तियां थी उनको एक एक करके हम इस बार समझेंगे। पिछले सत्र में हमने लोगों ने इन वृत्तियों के नाम जाना था, आज उसको समझने का प्रयास करेंगे। पहला जो वृत्ति है, सूत्र हम देख लें, प्रत्यक्ष अनुमान आगमा प्रमाणानि। ये प्रमाण क्या है, तो प्रत्यक्ष अनुमान और आगम, ये तीनों मिलके प्रमाण बने हैं। प्रत्यक्ष क्या होता है, हम देख पाएंगे कि प्रत्यक्ष दो शब्दों से मिलके बना, प्रति और अच्छ। प्रति मतलब सामने, अच्छ मतलब आँखों के, अर्थात आँखों के समक्ष जो है वही प्रत्यक्ष। तो आँखों के समक्ष बहुत सी चीज़ें हैं, तो क्या आँखों के समक्ष होना ही प्रत्यक्ष हुआ, ये विद्यार्थियों समझने का प्रयास करेंगे। हमारा जो पांच ज्ञानेंद्रियां हैं ये भी प्रत्यक्ष के रूप में मानी जाती हैं। तो ये पांच ज्ञानेंद्रियां जो हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इनके द्वारा भी हम प्रत्यक्ष की अनुभूति प्राप्त करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है विद्यार्थियों, प्रत्यक्ष में हमारी जो पांच ज्ञानेंद्रियां आती हैं, पिछली बार भी हमने उदाहरण दिया था और इस बार भी हम समझने का प्रयास करेंगे, कोई वस्तु गर्म है तो गर्म है तो उसको कैसे पता चलेगा,
जब हम अपने हाथों से या हमारे त्वचा का कोई अंग उस गर्म वस्तु को स्पर्श करता है तो हमको पता चल जाता है ये भी कि वो वस्तु गर्म है, उसको छूना हमारे लिए ठीक नहीं है, तो ये भी एक प्रत्यक्ष है। हम प्रत्यक्ष के बाद दूसरा जो हमारा प्रमाण था वो अनुमान था। मान लीजिए कहीं से हम गुजर रहे हैं, वहाँ पे बहुत अच्छी कोई मिठाई बन रही है, वो गंध हमारे नाकों में आया, तो उससे हम अनुमान लगा लेते हैं कि वहाँ पे कौन सा कार्य हो रहा है या कौन सा पकवान बन रहा है। कभी कभी हम घरों में जाते हैं तो अच्छी खुशबू आती है, तो हमारा जो नाक है वो क्या कर रहा है, यह अनुमान लगा ले रहा है कि इस घर में कहीं या हमारे घर में जब भी हम जाएं कोई पकवान बन रहा है। तो ये भी एक प्रत्यक्ष है और अनुमान भी लगा ले रहे हैं आप, तो ये प्रमाण के अंतर्गत ही आता है। हम वर्षा ऋतु में बादलों को देखते हैं, बादलों को देखने पे भी हमको अनुमान लग जाता है कि वर्षा हो सकती है, तो अनुमान भी एक प्रमाण के ही रूप में आया। ऐसा ही एक वाकया हुआ, एक संत थे, जंगल में उनका निवास स्थान था, वो एक चट्टान पे लेटे हुए थे, रात का समय था, तो अपने पुस्तक में उन्होंने इसका वर्णन किया है। पहुँचे हुए संत हैं, एक ठंडी लकीर उनके पेट पे चलता हुआ महसूस होता है, उनका मस्तिष्क अनुमान लगाता है कहीं सर्प तो नहीं जा रहा, क्योंकि बर्फ जैसा ठंड लग रहा था वो लकीर की तरह चला जा रहा था। फिर जब वो उठते हैं और टार्च जला के देखते हैं तो सचमुच में सर्प था, तो एक अनुमान लग गया, आँखों ने देखा नहीं लेकिन मस्तिष्क ने अनुमान लगाया, त्वचा ने या फिर कहिए स्पर्श के द्वारा उन्होंने अनुमान लगाया। तो यह अनुमान भी इसी प्रमाण के अंतर्गत आता है। तो सूत्र कहता है प्रत्यक्ष, अनुमान और अंत में आगम। अब आगम क्या है देखेंगे विद्यार्थियों। उदाहरणों में एक उदाहरण यहाँ पे और दिख रहा है आप लोगों को कि जो जंगल पे निवास करने वाले पशु हैं उस शेर की गंध को कई किलोमीटर दूर से पा जाते हैं, और जैसे ही उनको गंध मिलती है वो अपने टोलियों को उनको सहेजने लगते हैं, सावधान करने लग जाते हैं। अपने इसी मनुष्य जाति में जो कुल भील जातियाँ हैं जो जंगलों में निवास कर रही हैं उनको भी शेर की गंध आधा किलोमीटर दूर से ही पता चल जाता है, वो भी सतर्क हो जाते हैं। तो ये अनुमान एक तरह से प्रमाण ही है, प्रमाण एक वृत्ति है, अभी आगे इसको बताएंगे। तीसरा प्रमाण क्या था, तीसरा प्रमाण हमारा आगम है। आगम क्या है, परमात्म स्वरूप कैवल्य पद की ओर अग्रसर होने के लिए आप्त पुरुषों का दर्शन, उनकी वाणी, उनका सानिध्य आगम कहलाता है। शिक्षार्थियों आगम क्या, जो परमात्मा है ऐसी परमात्मा को जानने के लिए किसी सद्गुरु के दर्शन, फिर उनके बताए हुए आचरण और उनके ज्ञान को जब हम लेते हैं तो आगम है। आगम से क्या होगा, आगम से हमारी जो वृत्तियां हैं, मान लीजिए हमारी वृत्तियां क्लिष्ट वृत्तियां हैं। महर्षि जी ने वृत्तियों को दो भाग बांटा हुआ था, क्लिष्ट और अक्लिष्ट। क्लिष्ट समझने का प्रयास करेंगे फिर से एक बार, क्लिष्ट वृत्तियां जो प्रवृत्ति की तरफ बढ़ा देती हैं, जो भौतिकता की तरफ ले जा रही हैं, तो मान लीजिए हमारी वृत्तियाँ क्लिष्ट हैं। हमको किसी सद्गुरु का, गुरु का सानिध्य मिला, हम उनके बताए हुए मार्ग पे चलने लगे, तो हमारी वृत्तियाँ धीरे धीरे बदल गईं और ये अक्लिष्ट हो गई। क्लिष्ट से किधर चली गई, अक्लिष्ट चली गई। अक्लिष्ट होते मान क्या हुआ, जो वृत्तियाँ बहिर्मुखी थी वो अंतर्मुखी हो गई। जो वृत्तियाँ संसारिक थीं, भौतिकता में की तरफ बढ़ रही थी, वो आत्मस्वरूप की तरफ बढ़ने लगी। तो वो आगम का असर हुआ कि परमात्म स्वरूप कैवल्य की तरफ हम बढ़ने लगे, उनको जानने का प्रयास करने लगे। तो यहाँ पे आगम का लाभ ये होगा कि जो हम, हमारा जो परम पुरुषार्थ है जिसको हमारे ग्रंथों में कहा गया है उसकी तरफ हम बढ़ने लगेंगे, कैवल्य की तरफ बढ़ेंगे। प्रमाण पाते ही वृत्तियाँ संचालित हो जाती हैं,
तो प्रमाण क्या है? प्रमाण एक ऐसी वस्तु है जो वृत्तियों को संचालन करती है। प्रमाण जैसे हमने प्रत्यक्ष देखा कोई चीज़ या अनुमान लगाया, या हम आगम प्रत्यक्ष अनुमान आगमा आगम की तरफ हमको कोई मार्ग मिला तो उससे हमारी वृत्तियाँ संचालित हो गई। उससे क्या हो गया? यदि वे ईश्वरोन्मुख हैं तो वैराग्य विवेक कल्याण के भाव श्रद्धा जागती है, ईश्वर उन्मुख हो गई आगम से या इन वृत्तियों से हम ईश्वर की तरफ बढ़ गए तो विवेक वैराग्य श्रद्धा भक्ति हमारी जागने लगती है। तो ये अक्लिष्ट हैं, यहाँ पे हम देखेंगे अक्लिष्ट वृत्तियाँ जो ईश्वर की तरफ ले जाएँ, जो परमा स्वरूप की तरफ ले जाए वो अक्लिष्ट तथा प्रवृत्ति की ओर अग्रसर हैं। प्रवृत्ति क्या है? अभी हमने बताया प्रवृत्ति क्या थी, जो भौतिकता की तरफ आपको ले जा रही है, जो संसार की तरफ ले जा रही है। तो योग में योग का क्या गुण है? योग हमको अपने अंदर स्वयं को जानने में सहायता करता है, या फिर महर्षि ने जो सूत्र दिया है कि चित्त वृत्तियों का निरोध ही योग है। तो चित्त की वृत्तियाँ बाहरीमुखी तो है नहीं, वृत्तियाँ तो अपने अंदर हैं, इन वृत्तियों का निरोध करना है, इन वृत्तियों के निरोध स्वयं के अंदर करना है। कहीं बाहर हमारी वृत्तियां तो हैं नहीं ना, हमको अपने अंदर की वृत्तियों का निरोध करके उस योग को प्राप्त करना है। तो महर्षि जी ने यहाँ पे जो सातवां सूत्र था इसके प्रमाण को उन्होंने कहा है कि इस प्रमाण के द्वारा ही हमारा जो वृत्तियाँ हैं वो संचालित होने लगी, प्रमाण से वृत्ति संचालित होती है। इसके आगे देखेंगे प्रमाण की बात। महर्षि जी ने जो दूसरी वृत्ति बताई वो है विपर्य। वस्तुतः वास्तविक रूप से जो वृत्तियां हैं, विपर्य और विकल्प दो ही वृत्तियां वास्तविक हैं। इसको हम आगे अभी समझने का प्रयास करेंगे विद्यार्थियों, अभी हम विपर्य को देखते हैं। तो विपर्य का सूत्र क्या है? विपर्यो मिथ्या ज्ञानम तद्रुप प्रतिष्ठम, अर्थात जो उस वस्तु के स्वरूप में प्रतिष्ठित नहीं है ऐसा मिथ्या ज्ञान विपर्य है। विपर्य क्या हुआ? जो उस वस्तु के स्वरूप में प्रतिष्ठित नहीं है। हमने जो ये शरीर पाया है तो क्या ये वास्तव में है, सत्य है? प्रिय विद्यार्थियों, एक न दिन एक न एक समय ये छूट जाता है। तो सत्य क्या होता है? सत्य को कहा गया है कि सत्य का कभी विनाश नहीं होता। तो सत्य तो ऐसी चीज़ है जो कभी विनाश नहीं होता। तो क्या इस शरीर को सत्य मानना उचित है? एक उदाहरण के रूप में बात किया जा रहा है, वही यहाँ पे महर्षि कहते हैं कि विपर्य क्या है? विपर्य मिथ्या ज्ञान है। मिथ्या ज्ञान क्या है? जो वास्तविक नहीं है, जो झूठा है, वो मिथ्या ज्ञान है। अब फिर क्या कहते हैं? अस्तित्वहीन अस्तित्वहीन वस्तुओं में आसक्ति विपर्य है। अस्तित्वहीन क्या है? तो जितने चीज़ें हमें दिख रही हैं संसार की, वो सभी अस्तित्वहीन हैं। इन सभी वस्तुओं में जब हम आसक्ति करते हैं तो वही विपर्य। रामचरितमानस में भी एक बार ऐसा प्रसंग आया, बाबा शिव ने माता तुलसी कहा, तुलसी से माता पार्वती से उन्होंने कहा है, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। अर्थात जगत क्या है? एक सपना है। और सपना क्या होता है विद्यार्थियों? विपर्य होता है, मिथ्या ज्ञान है। सोते समय हम बहुत चीज़ें देखते हैं तो क्या वो वास्तविक है? वो वास्तविक नहीं है, वो हमारे विचार हैं, आते जाते रहते हैं। इसी प्रकार विपर्य क्या था? जो वास्तविक नहीं है वही विपर्य। यहाँ पे गीता का कुछ उदाहरण हम देखेंगे। भगवान कहते हैं, श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन आसुरी संपद को प्राप्त पुरुष सोचता है, क्या सोचता है कि मेरे पास इतना धन है, उतना होगा, मैं बड़े कुटुंब वाला हूँगा, मैंने इस शत्रु पे विजय प्राप्त किया,
मैं उसे प्राप्त करूंगा, मेरा राज्य इतना बड़ा हो जाएगा, ये तमाम चीज़ें हम, मेरे पुत्र होंगे, मेरा इतना साम्राज्य हो जाएगा, तमाम चीज़ें हमारे मन में आती रही, सभी के पास आती है। फिर क्या हो गया, इन्हीं सब इच्छाओं को लेते हुए हम सोचते रहते हैं, विचार करते रहते हैं, क्या इच्छाएं पूरी हो पा रही हैं। तो भगवान कहते हैं इस प्रकार कभी न पूर्ण होने वाली अनंत इच्छाओं वासनाओं का सदैव आश्रय लिए रहता है, ऐसा पुरुष सनह सनह घोर नरक में जाता है, घोर नरक में गिरता है, वे अंधकार की तरफ उन्मुख है। जब ये कोई चीज़ वस्तुतः बहुत अधिक हो जाती है तो नुकसानदायक होती है, इच्छाएं होना जरूरी है, लेकिन जब इच्छाएं बहुत अधिक हो गई तो हमारे लिए नुकसानदायक होती है। भगवान कृष्ण भी यही बात यहाँ पे गीता में कह रहे हैं कि जब बहुत इच्छाएं होने लगी तो ऐसा व्यक्ति क्या होगा, सने सने घोर नरक में गिरेगा, अंधकार की ओर उन्मुख है। ये संपूर्ण वृत्ति, ये वृत्ति कैसी है, संपूर्ण की संपूर्ण वृत्ति क्लिष्ट है। क्लिष्ट अभी हमने बताया जो मिथ्या है, जो संसार की तरफ उन्मुख है वो क्लिष्ट है। अक्लिष्ट क्या है, जो हमें संसार से मोड़कर हमें आत्मस्वरूप की तरफ ले गया, आत्म पद की तरफ ले गया, वो अक्लिष्ट है। तो ये विपर है, विपर क्या है, मिथ्या ज्ञान है, ये आपको संपूर्ण की संपूर्ण वृत्ति क्लिष्ट है। फिर इन्हें जैसे प्रमाण मिला, प्रमाण मिल गया, प्रमाण में प्रत्यक्ष अनुमान आगम प्राप्त हुआ, आप तो पुरुषों का दर्शन हो गया मान लीजिए, फिर क्या हुआ, तत्काल यह क्लिष्ट वृत्ति अक्लिष्ट की तरफ बढ़ जाएगी। ऐसे हमारे कई हम लोगों ने सुन रखा है, वाल्मीकि जी, अंगुलीमाल इत्यादि क्या थे, उदाहरण है, जिनकी वृत्तियां क्लिष्ट थी, लेकिन आप्त पुरुषों का दर्शन हुआ, सप्तऋषियों का दर्शन हुआ और वो अक्लिष्ट की तरफ उनकी प्रवृत्ति बढ़ गई और वो राजर्षि कहलाए, ब्रह्मर्षि कहलाए, महर्षि कहलाए। अर्थात ये वृत्तियां क्या हैं, बदलती हैं, इनको बदला जा सकता है। फिर सत्पुरुषों के दर्शन से परिवर्तन का सूत्रपात हो गया। अनुसुईया में, चित्रकूट में एक संत हुए परमहंस जी, जब वो वहाँ पे निवास करने लगे तो वहाँ पे दस्युओं का साम्राज्य था, तो बहुत ऐसा हुआ कई दस्यु उनके शरण में गए और उनकी प्रवृत्ति बदल गई, अर्थात वो क्लिष्ट प्रवृत्ति से अक्लिष्ट की तरफ बढ़ गए और उनके सरदारों ने उन महापुरुष की शरण में रह के धीरे धीरे अपने जीवन को बदल लिया, अच्छे मार्ग पे बढ़ गए। तो योग के द्वारा विद्यार्थियों हम अपनी प्रवृत्ति को क्लिष्ट से किस तरफ ले जा सकते हैं, अक्लिष्ट की तरफ, ये पूरा पूरा अपने जीवन में हम लोग लागू कर सकते हैं और अपनी प्रवृत्ति को बदल के एक अच्छे मार्ग पे चल सकते हैं और जीवन में जो चीज़ हम चाहेंगे वो प्राप्त कर सकते हैं। जिस मार्ग को हम लोगों ने चुना है, योग विषय को चुना है, वो हमको हमारी प्रवृत्ति को बदलने का, हमारे वृत्तियों के निरोध की तरफ ले जाने के लिए प्रेरित करता है। आगे बढ़ते हैं विद्यार्थियों, फिर आता है विपर्य के बाद क्या आ जाता है, विकल्प आ जाता है। विकल्प क्या है, शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्यो विकल्प, अर्थात जो ज्ञान शब्द जनित ज्ञान के साथ साथ होने वाला है, जो ज्ञान शब्द जनित वस्तु के साथ साथ होने वाला है, जिसका विषय वस्तु वास्तव में नहीं है, वास्तव में नहीं है, वह विकल्प है। अर्थात ज्ञान ऐसा ज्ञान जो शब्दों के द्वारा प्राप्त होगा और वास्तविक रूप में वह अभी विषय या वस्तु उपस्थित नहीं है। इसको समझने का प्रयास करेंगे, महर्षि जी ने इस सूत्र में ऐसा उन्होंने क्यों लिखा, जब इसी पाद में, समाधि पाद में हम आगे बढ़ते हैं तो 42वां सूत्र प्राप्त होता है, शब्द अर्थ ज्ञान विकल्प
संकीर्णा सवितरका समापत्ति, अर्थात शब्द अर्थ और ज्ञान, शब्द अर्थ और ज्ञान इन तीनों के विकल्पों से मिली हुई समाधि सवितर्क है। शब्द हमको मिला, उसका अर्थ प्राप्त हुआ, समझ में आया और विकल्प प्राप्त हो गया, इससे एक समाधि मिल जाती है, वह सवितर्क है। किंतु किसी भी शब्द को सुनने या उसके आशय को समझ लेने से क्या समाधि की प्राप्ति हो जाती है? कोई वस्तु हमको शब्द मिल गया, उसको समझ लेकर उसके अर्थ को समझ लेने से क्या समाधि की प्राप्ति होती है? तो महापुरुषों का कहना है कि उससे समाधि नहीं मिलती है, समाधि अभी दूरी पे है। तो कहते हैं दृष्टा दृश्य के संयोग, दृष्टा और दृश्य का जो संयोग होता है उससे एक प्रेरणा मिलती है, वह शब्द है। दृष्टा दृश्य के संयोग से जो शब्द उठता है वह शब्द है, प्रेरणा की प्राप्ति होती है वह शब्द है। दृष्टा क्या है? दृष्टा महर्षि जी को जब हम आगे पढ़ेंगे सूत्रों में तो कहते हैं जो आपके अंदर मौजूद है, जिसको हम आत्मस्वरूप कहते हैं, कैवल्य स्वरूप कहते हैं, वह दृष्टा। दृश्य किसको कहते हैं? तो ये जो सांसारिक वस्तुएं हैं, जो भौतिकता है, जिसको हम प्रत्यक्ष या अनुमान के द्वारा या आगम के द्वारा प्राप्त कर रहे हैं, वह दृश्य है। तो इनका संयोग हो गया, एक साधक साधना करते करते इसी को प्राप्त करने का प्रयास करता है, यही दृष्टा और दृश्य एक हो जाते हैं। फिर उस संयोग से, इनके संयोग से एक शब्द की प्राप्ति होती है। कहावत भी है, शब्द बिना श्रुति आंधरी, कहो कहाँ लो जाए द्वार न पावे शब्द का, फिर भटका खाए। कबीर जी की कहानी है विद्यार्थियों। शब्द के बिना चिंतन में जो सूरति लगाई जाती है, कबीर कहते हैं कि शब्द के बिना जो हम चिंतन कर रहे हैं वह अंधी है। शब्द के बिना श्रुति का अध्ययन बुद्धि के स्तर पर अटकल मात्र है। आगे कहते हैं यदि शब्द का द्वार नहीं मिला तो भजन की जागृति नहीं हुई। शब्द अर्थ और उसका ज्ञान समझते हुए आचरण में ढालते नहीं बना तो बार बार भटकना पड़ता है, अनुभव को भी पढ़ना पड़ता है। अर्थात जो भी हम चिंतन करते हैं, शब्द तो हम प्राप्त हुआ लेकिन जब हम उसका चिंतन कर रहे हैं, शब्द बिना श्रुति आंधरी, वो शब्द क्या हो गई? शब्द बिना अगर हम चिंतन कर रहे हैं तो हम सही चिंतन में नहीं हैं। हम ध्यान का प्रयास कर रहे हैं लेकिन ध्यान को कैसे उसमें जोड़ा जाए, इसको महर्षि ने कहता है कि वो एक शब्द की ज़रूरत पड़ती है, फिर उसका अर्थ की ज़रूरत पड़ेगी, फिर उसकी ज्ञान की ज़रूरत पड़ेगी। शब्द से अर्थ प्राप्त हुआ, अर्थ से फिर ज्ञान की प्राप्ति हुई, तब वो सही रूप में जो अभी हमने पीछे पढ़ा सवितर्क समाधि, तो वास्तविक रूप से इन वृत्तियों का निरोध तब शुरू होता है। वृत्तियों का निरोध का एक यह माध्यम है। भगवान लिंग अलिंग प्रतीक या बिना प्रतीक के ही जानकारी देते रहते हैं। यह विद्या पढ़नी पड़ती है, यह विद्या, ये भगवान जो अभी हमने पढ़ा लिंग अलिंग प्रतीक या बिना प्रतीक के जानकारी देते हैं, यह एक विद्या है, ये योग के विद्यार्थियों के लिए है, यह पढ़नी पड़ती है। ये कैसे आएगा? तो उसी शब्द अर्थ और उसके ज्ञान को समझने पे ही प्राप्त होती है। शब्द ज्ञानानुपाती वस्तु शून्यों विकल्प, यही है शब्द ज्ञानानुपाती वस्तु शून्यों विकल्प। अभी जो सूत्र हमने पढ़ा था तो ये विकल्प का वही सूत्र है, ये शब्द जनित ज्ञान है,
वस्तु अभी नहीं उपलब्ध है, लेकिन उस शब्द के मार्ग पे चलने से, उसके अर्थ को और फिर उसके ज्ञान को समझने से यह विकल्प की प्राप्ति हो जाती है। यह एक वृत्ति है जो ईश्वरोन्मुख है, जो हमें केवल की तरफ ले जा रही है। शब्द को समझे कि इष्ट द्वारा कहा गया गया है, उसका आशय क्या है, यह विकल्प वृत्ति है। यही विकल्प वृत्ति है। वह विद्या माया प्रभु से प्रेरित है। यदि भगवान प्रेरणा ना करें तो उसके पड़ा वृत्ति के पास कोई बल नहीं है, वह विद्या है ही नहीं। इस प्रकार दृष्टा के सहारे जीवन में, दृष्टा के सहारे, महर्षि ने कहा है, दृष्टा के सहारे जीवन में चलने वाली वृत्ति विकल्प वृत्ति है। विकल्प वृत्ति है दृष्टा के सहारे। अर्थात अभी हमने समझने का प्रयास किया, दृष्टा कौन था? जो अपने अंदर वो परमात्मस्वरूप, आत्मस्वरूप जो स्थिति है वो दृष्टा है। दृश्य क्या था? जो भौतिक वस्तुएं हैं। बीच में एक लाइन आई थी, दृष्टा और दृश्य के संयोग से एक शब्द की उत्पत्ति होती है। तो दृष्टा जो हमसे कह रहा है, दृष्टा के सहारे जीवन में चलने वाली वृत्ति विकल्प वृत्ति है। तो दृष्टा अर्थात वह है जो ईश्वर की तरफ ले गया, यही विकल्प की वृत्ति है। इसके आगे समझेंगे विद्यार्थियों। विकल्प वृत्ति कैसी वृत्ति हो गई? यह अक्लिष्ट वृत्ति है। विपर्य कौन सी वृत्ति थी? क्लिष्ट थी। विपर्य से हमको समझ में ही आ रहा था मिथ्या ज्ञान, जो वास्तविक नहीं है, जो सत्य नहीं है, वो विपर्य हो गया। और जो दृष्टा है, जो आत्मस्वरूप है, जो आपको ईश्वरोन्मुख ले कर रहा है, परमात्म स्वरूप की तरफ बढ़ा रहा है, वो कौन सी वृत्ति हुई? विकल्प की वृत्ति हो गई। आगे देखेंगे। इसमें थोड़ी सावधानी देख करने की ज़रूरत है। महर्षि कहते हैं कि जैसे ही विजाति प्रवृत्तियों की या विजाति वृत्तियों को हम हावी होने देते हैं, यह वृत्ति भी अक्लिष्ट से क्लिष्ट की तरफ बढ़ जाती है। इसलिए बहुत ही सावधानी से आगे बढ़ने की ज़रूरत है। आगे बढ़ेंगे तो विपर्य प्रमाण, विपर्य विकल्प, और चौथी वृत्ति आती है निद्रा। निद्रा को समझने का प्रयास करेंगे। निद्रा के लिए सूत्र क्या है? अभाव प्रत्यालंबना वृत्ति निद्रा। अभाव के ज्ञान का अवलंबन करने वाली जो वृत्ति है वह निद्रा है। अभाव कैसा होता है? संसार के मिथ्या ज्ञान से बनी है और न ही शब्द से उत्पन्न ज्ञान से बनी है। अभी हमने कहा कि शब्द से ज्ञान उत्पन्न होता है, और निद्रा वृत्ति महर्षि कहते हैं कि यह न तो इस संसार की तरफ है और न ही शब्द की तरफ है, दोनों वृत्तियों से अलग है। तो ये वृत्ति को समझने का प्रयास करेंगे। निद्रा कौन सी वृत्ति हुई जो सुप्तावस्था में है? अभी हम आगे देखेंगे। महर्षि ने इसे भी, इस वृत्ति को भी सुप्तावस्था माना। यहाँ लिखा है सुप्तावस्था, यह वृत्ति निद्रा है। सुप्तावस्था कैसे होगी? या निशा गीता भी कहते हैं, गीता में जो दूसरा अध्याय है उसका 69वां श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, या निशा सर्वभूता नाम जागृति तस्याम जागृति संयमी। जगत रूपी रात्रि में जो संयमी पुरुष है वो जाग जाता है, इस सूत्र का अर्थ है। तो इस जगत को उन्होंने कौन सी संज्ञा दे दी है? यह रात्रि है, ये निशा है। निशा मतलब रात्रि, अंधेरा। जगत रूपी रात्रि में सभी अचेत पड़े हैं। जगत रूपी रात्रि में प्रायः लोग प्रकृति में आसक्त रहते हैं। प्रकृति में आसक्त मतलब भौतिक चीज़ों में आसक्त रहते हैं, किंतु निद्रा वृत्ति वाला प्रकृति की जड़ता से भी नहीं बंधा है। मान ले, यहाँ पे उदाहरण एक लिया जा रहा है, मान लीजिए एक मार्ग है, उस मार्ग में एक तरफ उजाला है, दूसरी तरफ अंधेरा, बीच में एक मार्ग चला जा रहा है जिसे हम पगडंडी कर रहे हैं। कोई मनुष्य उस मार्ग पे चल रहा है,
उसका एक पैर उजाले की तरफ है उस पगडंडी पे, एक अंधेरे की तरफ है, वो सीधा चला जा रहा है। उसको कोई मार्ग की प्राप्ति होगी? प्रिय विद्यार्थियों, कोई मार्ग की प्राप्ति नहीं होगी। वह न तो ईश्वर उन्मुख है, न संसार की तरफ है, संसार की तरफ उन्मुख है। उसको कोई भी जानकारी नहीं है, न वो भौतिक की तरफ बढ़ रहा है, न आत्मस्वरूप की तरफ बढ़ रहा है। तो ये जो वृत्ति है, यही निद्रा वृत्ति कहलाई, यही सुप्तावस्था है। तो ये जो चौथा वृत्ति आया, इसको महर्षि ने निद्रा का नाम दिया। यही निद्रा वृत्ति न संसार की ओर है, न स्वरूप की ओर है। यह वृत्ति सदैव नहीं रहेगी। जो ही कुछ प्रत्यक्ष हुआ, अनुमान लगा, वृत्ति गतिशील हो उठेगी। शुभ प्रत्यक्ष हुआ तो अक्लिष्ट, यहाँ फिर से हम समझेंगे अक्लिष्ट आया है। अक्लिष्ट कब होगा? जब शुभ आया, शुभ की प्रतीति हुई या शुभ की प्राप्ति हुई तो अक्लिष्ट। अशुभ पड़ा तो कौन सी वृत्ति हो जाएगी? क्लिष्ट। क्लिष्ट किसको कहते हैं? अभी फिर समझाएंगे। जो प्रवृत्ति की तरफ ले गई, अक्लिष्ट जो हमें निवृत्ति की तरफ ले गई। किसी वैभव संपन्न व्यक्ति को हम देखते हैं समाज में, सांसारिक जीवन में सफलता की कामना करने लगे, जो है ही नहीं, मिथ्या ज्ञान है, उसकी ओर आकृष्ट हो गए तो क्लिष्ट वृत्ति। कहीं आगम अभी हमने दिया, आप्त पुरुषों का दर्शन, सानिध्य, उनका आचरण, उनका ज्ञान, आगम मिल गया, महापुरुष का दर्शन हुआ, तो वह परमात्मा की ओर उन्मुख हो गया। तो ये वृत्ति कौन सी हो जाएगी? अक्लिष्ट वृत्ति हो जाएगी, अक्लिष्ट प्रवृत्ति या वृत्ति हो जाएगी। आगे बढ़ेंगे तो ये जो वृत्तियाँ हैं, महर्षि कहते हैं ये जो वृत्तियाँ हैं वो किस धरातल पर आती हैं, किस पर हावी होती हैं, तो उसी को सूत्र में कहा है, अनुभूत विषया संप्रमोसा स्मृतिया। अनुभूत विषया संप्रमोसा स्मृतिया। स्मृति क्या है? जो भूतकाल में जिन कार्यों का अनुसरण होता चला आया है उनका पुनः प्रकट हो जाना, स्मृति वृत्ति। भूतकाल में जो कार्य होते चले आए हैं उनका प्रकट हो जाना स्मृति है। स्मृति कोई वृत्ति नहीं है, इसको समझेंगे अभी हम ऐसा क्यों कह रहे हैं। महर्षि ने वृत्तियों को समझने और समझाने के लिए पांच तरीकों से बांटा है। ये कोई वृत्ति नहीं है, एक धरातल है। महर्षि ने सिर्फ इसको समझने और समझाने के लिए इन पांच वृत्तियों को बांटा है। उनमें से यह ऐसा धरातल है जिस पर शेष वृत्तियाँ उद्भूत होती हैं। अंतिम संस्कार के निकलते ही चित्त वृत्तियों का स्वरूप शून्य सा हो जाता है, स्मृति परिशुद्ध हो जाती है, केवल लक्ष्य मात्र का आभास रह जाता है। उस समय निर्वितर्क समाधि प्राप्त हो जाती है। स्मृति क्या है? स्मृति एक धरातल है जिसपे संस्कार हमारे जमे रहते हैं, और जब हम साधना मार्ग पे बढ़ते हैं, योग मार्ग पे बढ़ते हैं, तो इन्हीं संस्कारों को धीरे धीरे क्षय करने लगते हैं। तो महर्षि कहते हैं इन संस्कारों को जब धीरे धीरे हम क्षय करते हुए, तो ये जो हमारा स्मृति है इस पर पड़े हुए जो संस्कार क्षय होने लगते हैं, तो ये स्मृति परिशुद्ध हो जाती है, और शुद्ध होते ही निवितर्क समाधि की प्राप्ति हो जाती है। अतः स्मृति वह धरातल है जिस पर पूर्व में अनुसरण किए हुए अनंत काल के संस्कार अंकुरित होते हैं। ये क्लिष्ट भी हो सकते हैं और अक्लिष्ट। जो संस्कार हैं पूर्व के, वो क्लिष्ट भी हो सकते हैं और अक्लिष्ट भी, अर्थात ईश्वर उन्मुख भी हो सकते हैं और स्वरूप की तरफ भी उन्मुख हो सकते हैं। जल्दी से इसको समझने का प्रयास करेंगे विद्यार्थियों। श्रीमद् भगवद गीता में के अनुसार मानव के प्रादुर्भाव के साथ ही वृत्तियाँ प्रसारित हुई, और तब से लेकर अब तक वृत्ति के दो ही रूप हैं। अभी हमने कहा कि वृत्तियाँ कुल दो होती हैं, महर्षि जी ने उसको समझने और समझाने की दृष्टि से पांच भागों में बांट रखा है, दैवी संपद, आसुरी संपद। दो वृत्तियाँ गीता में कही गई, दैवी संपद, आसुरी संपद। एक परम श्रेय प्रदान करती है, अक्लिष्ट है, दूसरी अधोगति की ओर ले चलती है, क्लिष्ट है।
यही है शुभ अशुभ, सजाति विजाति, प्रवृत्ति मार्ग निर्वृत्ति मार्ग, विद्या अविद्या। विद्या जो परम गति प्रदान करती है, विद्या जो भवकूप की तरफ ले जाती, भवकूप में डालती है। यही है पुण्यमयी प्रवृत्ति और पापमयी प्रवृत्ति। इसी को गीता में धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र भी कहा गया है। ईश्वरोन्मुख वृत्ति और दूसरी अनंत योनियों में बार बार गिराने वाली या भटकाने वाली वृत्ति। कालक्रम में भाषाएं बदल गई। कबीर के समय में भाषाएं बदल गई, गौतम बुद्ध के समय भाषाएं बदल गई, वर्तमान में भाषाएं बदल गई। ये कालक्रम के अनुसार भाषाएं बदलती हैं। महर्षि या संतजन अपनी भाषाओं में इसको रखने का प्रयास करते हैं, किंतु महर्षि पतंजलि ने इन वृत्तियों को फिर से देखिए समझने और समझाने के लिए पांच दृष्टियों से लिया। वृत्ति संचालित कैसे होती है, अभी हमने कहा वृत्तियों का संचालन कैसे होता है, तो प्रमाण से। वृत्ति किस धरातल पर अंकुरित होती है, तो स्मृति पर। यदा कदा यह सुसुप्त रहती है, वृत्ति अगर सुसुप्त है तो निद्रा। यह चलती है किस प्रेरणा से, किस दिशा में, विपरीत ज्ञान की जड़ता की बंधन है, मिथ्या ज्ञान की तरफ बढ़ रहा है तो विपर्य है। दृष्टा दृश्य के संयोग से अगर शब्द का ज्ञान मिल गया है तो विकल्प है, समझ, और उस पर लग जाना क्या है, विकल्प है। तो ये पांचों को यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से वृत्तियों को समझाया गया, जल्दी से आगे बढ़ेंगे। इस प्रकार वृत्तियों में कई दृष्टियों से रेखांकित किया गया, जिससे साधक सरलता से वृत्तियों की चाल को समझ सके। महर्षि जी ने इसीलिए इनको पांच स्तरों में बांटा, ताकि कोई साधक इस योग में जब चले तो उसको सरलता से इनकी चाल, इनके रहस्य को समझने में उसको लाभ प्राप्त हो। वृत्तियाँ, फिर इन वृत्तियों को शांत, अभी हमने पढ़ा था योगस चित्त वृत्ति निरोध, चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। तो इन वृत्तियों को शांत कैसे किया जाएगा, तो उसके लिए कहते हैं अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरो, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधा। अभ्यास और वैराग्य के द्वारा इन वृत्तियों का निरोध किया जा सकता है। योग की प्राप्ति चित्त वृत्तियों के निरोध से होगी, तो इन वृत्तियों का निरोध कैसे होगा, तो महर्षि कहते हैं अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधा। चित्त वृत्तियों का निरोध अभ्यास और वैराग्य के द्वारा होता है, इन्हीं से साधन का आरंभ होता है। इन्हीं अभ्यास और वैराग्य का जब हम शुरुआत करते हैं तो महर्षि कहते हैं साधन का आरंभ हो जाता है। पूर्ति पर्यंत ये साथ चलते हैं, अतः इनका पालन अनिवार्य है। योग में सफलता के लिए अभ्यास और वैराग्य अनिवार्य शर्त है। अभ्यास किसे कहेंगे, तो अभ्यास के लिए महर्षि ने सूत्र दिया है तत्र स्थितो यत्नो अभ्यास। इन चित्त की वृत्तियों के निरोध के लिए जो यत्न किया जाता है वही अभ्यास है। अंतिम निरोध तक यह साथ चलता है, इसका भली प्रकार पालन करना चाहिए। इस पर कहते हैं स तू दीर्घकाल निरंतर सत्कार सेवितो तृणभूमि। दीर्घकाल तक निरंतर लगातार श्रद्धा पूर्वक जब कोई साधक इस पे चलता है तो यह अभ्यास पूर्ण हो जाता है, यही अभ्यास है। फिर क्या हो गया, गीता में भी भगवान क्या कहते हैं, स निश्चयन युक्तव्य योगो निर्विन चेतसा। वह योग न उक्ताए हुए चित्त से निश्चय पूर्वक करना कर्तव्य है, धैर्य पूर्वक लगे रहने वाले का ही योग सफल होता है। तो योग की सफलता किस पे निर्भर है, हमारे अभ्यास पे। अब वैराग्य का स्वरूप देखते हैं, तो वैराग्य के लिए महर्षि ने सूत्र दिया है दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस वशिकार संज्ञा वैराग्यम। तो वैराग्य क्या है, लोक और परलोक में देखे हुए जो भी चीजें हैं, जो भी साधन है, उसमें तृष्णा रहित चित्त की जो अवस्था हो गई वही वैराग्य है। तृष्णा रहित चित्त की अवस्था ही वैराग्य है, अर्थात संसार में जो कुछ देखा सुना गया है, यहाँ से लेकर स्वर्ग तक की हम बातें सुनते आए हैं, उन सभी में हमारा आसक्ति या राग का त्याग हो जाए तो हम वैराग्य की तरफ बढ़ गए। उस वैराग्य के संपन्न, अभ्यास और वैराग्य का संपन्न होने से हमें क्या प्राप्त होगा, उस वह पुरुष जो केवल स्वरूप है, जो आत्मस्वरूप है, वो उसकी ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। प्रिय विद्यार्थियों, इसके आगे हम अगले जो अपना सत्र होगा उसमें बढ़ेंगे। अभी आज हमने 1.7 से अर्थात प्रमाण से लेके अभ्यास और वैराग्य तक के सूत्र को हमने समझने का प्रयास किया, और आशा है आपको ये समझ में आया होगा बहुत अच्छे से।
समझने का बताने का प्रयास किया गया। बहुत बहुत धन्यवाद।